विशाखापट्टनम में आज टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ जब मैदान पर उतरेगी तो वेस्ट इंडीज के लिए कोहली और रोहित से नहीं बल्कि इस मैदान पर जो खिलाड़ी और भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है वो है टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने एसीए वीडीसीए स्टेडियम के पिच का मुआयना करने के बाद इस शहर से जुड़ी अपनी यादों को ताज़ा किया जहां उन्होंने 13 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की पारी खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी धाक जमाई थी। बता दें कि दो बार के विश्व कप विजेता भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ने बुधवार को खेले जाने वाले दूसरे एक दिवसीय मैच से पहले पिच का मुआयना किया और मैदान कर्मियों से बातचीत की। 37 साल के धोनी ने अपने करियर का आगाज बांग्लादेश के खिलाफ किया था लेकिन उन्हें पहचान मिली 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान पर खेले गए मैच से जिसमें उन्होंने तीसरे क्रम पर उतरकर 148 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। बता दें कि भारतीय टीम ने अब मैच जीता और धोनी ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस मैच में सहवाग ने भी 40 गेंद में 74 रन की पारी खेली थी लेकिन धोनी के शतक ने उसे फीका कर दिया था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।